रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नैन और मैं हूँ भाभी और आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नैन भाभी। तो आज मेरी भाभी कुछ जल्दी में है। आज हम बनाने वाले हैं शरबत, ठीक है, जिसके लिए हमने दूध चढ़ा चुके हैं। दूध गर्म भी हो चुका है। ये हमने 7 किलो दूध लिया है और ये पक रहा है। चलें आगे हम आपको चीज़ें बताते हैं। ये 1.5 किलो हमने चीनी ली है और ये 5 चम्मच हमने खाने वाले जो चमचे थे वो दूध मलंगा लिया है, उसको हमने भिगो दिया है। और ये 1.5 कप हमने जो है पिसा हुआ खोपरा लिया है और 1/2 चम्मच हमने जो है फ्रूट कलर लिया है, 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है और 1 मुट्ठी हमने बादाम लिया है। इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे हल्के हल्के एकदम, और चलाते रहना है। हमने फ्रूट कलर लिया था ऑरेंज कलर का, उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह घोल लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ये कलर डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे। चूल्हा हम ऑफ कर देंगे। 5 मिनट पकाया हमने, हाँ, बॉईल आने के बाद वो रंग डालने के बाद 5 मिनट पकाया हमने। अच्छा, कलर जो हमने बनाया था वो सारा डाल दिया है हमने, ठीक है। अब हम इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड करेंगे सारा। अच्छा, बादाम हमने इसको पीस लिया, हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के हमने इसका पेस्ट बना लिया दरदरा सा, ये भी डाल देंगे हम इसमें सारा। अभी हम इसको ठंडा करेंगे, फिर हम इसमें बर्फ और तूप मलंगा ऐड करेंगे। तैयार है बस? हाँ, तैयार है। इसमें चंद कतरे हम जो है केवड़े के डालेंगे, जो कि हम दिखाना भूल गए थे। जी, ठंडा हो गया, इसमें जो तूप मलंगा ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तैयार है? बिल्कुल रेडी है ये। बनाइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी आप लोगों को, और पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।